गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड तीन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड आज हम लोग डिक्रीजिंग रेट ऑफ़ ग्रोथ मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं तो चलिए डिक्रीजिंग रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ़ ग्रोथ मेथड में जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला क्या होता है पी एन टू पी प्लस ब्रैकेट में आर एन माइनस एस डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू पी ये जो हमारा फार्मूला होता है ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है तो इसमें एस इस कॉस्ट क्या होता है जो हमारा डिक्रीजिंग परसेंटेज होगा उसका जो एवरेज होगा वो हमारी वैल्यू क्या होगी एस और जो आर्यन होगा जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ होता है उसका जो लास्ट ग्रोथ रेट होगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा आर्यन की वैल्यू हो जाएगी तो इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से तो चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जैसे ये एक न्यूमेरिकल्स है गिवेन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ नेक्स्ट थ्री डिकेट्स बाई डिक्रीजिंग रेट मेथड मीन्स हमें डिक्रीजिंग रेट मेथड से नेक्स्ट थ्री डिकेट्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है मींस कि 1970 की पॉपुलेशन अगर गिवन है तो हमें नेक्स्ट थ्री डिकेट यानी कि 1980, 1990 और 2000 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाय डिक्रीजिंग रेट मेथड से तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में जो गिवन पॉपुलेशन है वो कितनी है नाइनटीन फोर्टी की पॉपुलेशन कितनी है एटीन थाउजेंड नाइनटीन फिफ्टी की पॉपुलेशन कितनी है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नाइनटीन सिक्सटी की पॉपुलेशन कितनी है वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड नाइनटीन सेवेंटी की पॉपुलेशन कितनी है टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी ये हमारा क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन है उन्नीस सौ चालीस पचास साठ और सत्तर का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी पॉपुलेशन गिवन है उसमें इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो 1950 की जो पॉपुलेशन है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड में से जब 1940 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे 80,000 को तो हमारा इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कितना आएगा 40,000 तो उसी तरीके से नेक्स्ट जब हम 1960 की पॉपुलेशन में से 1950 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारा इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कितना आएगा 48,000 एट फिर नेक्स्ट हम जब 1970 की पॉपुलेशन में से 1960 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी ये हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा फिर नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे फार्मूला क्या होगा जैसे हम जो हमारा इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन आया फोर्टी थाउजेंड इसके रिगार्डिंग इसके थ्रू हम परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे आर वन तो आर वन इज टू हमारा फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी परसेंटेज कैसे आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे आर वन इज टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन तो हमारा पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड ठीक तो यहाँ से आर वन की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी फिफ्टी परसेंट यह हमारा आर वन की वैल्यू हो जाएगा परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू हंड्रेड यह हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे आर टू की वैल्यू तो आर टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन तो हमारा नेक्स्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज ग्रोथ है तो आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगा फोर्टी परसेंट तो इसी तरीके से जब हम आर थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर थ्री की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आर थ्री इज टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड इंटू हंड्रेड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट आर थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगा थर्टी सिक्स परसेंट ये हमारा आर थ्री की वैल्यू हो जाएगा तो अब हम परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के बाद हम डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा ग्रोथ रेट है जो डिक्रीज हो रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं आर वन माइनस आर टू जब आर वन माइनस आर टू करेंगे तो हमारा आर वन इसको कितना है फिफ्टी परसेंट माइनस आर टू है फोर्टी परसेंट तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाए टेन परसेंट ये हमारा डिक्रीज इन ग्रोथ रेट हो जाएगा फिर नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे आर टू माइनस आर थ्री आर टू माइनस आर थ्री जब आर टू की वैल्यू कितनी है फोर्टी परसेंट माइनस आर थ्री कितना है थर्टी सिक्स परसेंट जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा वैल्यू फोर परसेंट ये फोर परसेंट हमारा नेक्स्ट डिक्रीज इन ग्रोथ रेट हो जाएगा फिर उसके बाद जब हम डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद जो भी हमारा डिक्रीज़ इन ग्रोथ रेट आएगा उसका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है एस तो एस स्क्वास टू कितना होगा टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट डिवाइडेड बाई टू इस टू फोर्टी परसेंट डिवाइडेड बाई टू यानी कि सेवन परसेंट यह हमारा कितना हो जाएगा सेवन परसेंट हमारा एस की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज इन ग्रोथ रेट के हिसाब से अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें नेक्स्ट थ्री डिकेट्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाई डिक्रीजिंग रेट मेथड से तो फार्मूला हमारा क्या होता है पी एन इज्क टू पी नॉट प्लस आर एन माइनस एस डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन पी नॉट तो पी एन हमें एन कितनी कौन सी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 1970 की वैल्यू उन्नीस की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है इसकोस टू पी नॉट अब पी नॉट हमारा क्या हो जाएगा जो लास्ट टिकट की पॉपुलेशन है टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी ये हमारा पी नॉट की वैल्यू हो जाएगा प्लस आर एन आर एन जो होगा लास्ट परसेंटेज ग्रोथ रेट यानी कि आर थ्री की हमारी वैल्यू हो जाएगी आर एन की जगह पे थर्टी सिक्स परसेंट माइनस एस एस हमारा कितना है सेवन है सेवन परसेंट डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू इंटू क्या हो जाएगा पी नॉट तो हम पी नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे जो लास्ट टिकेट की पॉपुलेशन के ना यानी कि टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1980 की हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी एट ये हमारी उन्नीस सौ अस्सी की पॉपुलेशन हो जाएगी अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे उन्नीस सौ नब्बे की पॉपुलेशन तो उन्नीस सौ नब्बे की पॉपुलेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से हमारी कुछ वैल्यू क्या होती है चेंज हो जाती है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी पी नाइनटीन नाइन्टी उन्नीस सौ नब्बे तो पिन नॉट के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी लास्ट यानी कि उन्नीस सौ अस्सी की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वही हमारा पिन नॉट की वैल्यू होगा यानी कि टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी एट यह हमारा क्या हो जाएगा पिन नॉट की वैल्यू हो जाएगी प्लस आर एन माइनस एस फार्मूला होता है आर एन माइनस एस तो आर एन यानी कि थर्टी सिक्स माइनस सेवन जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन हमारा क्या हो जाएगा आर एन की वैल्यू हो जाएगी यानी कि ट्वेंटी नाइन माइनस एस की वैल्यू सेवन सेम वही एस जो एवरेज रहेगा वही हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू पी नॉट यानी कि उन्नीस सौ अस्सी की जो पॉपुलेशन हुई टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी एट ये हमारा पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उन्नीस सौ नब्बे की पॉपुलेशन क्या होगी वो हमें पता चल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टू थाउजेंड क्योंकि क्वेश्चन में थ्री डिकेट्स तक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो जब हम पी टू थाउजेंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पी टू थाउजेंड इस टू पी नॉट अब पी नॉट की जगह पे हम उन्नीस सौ नब्बे की जो पॉपुलेशन होगी वो हम कोट करेंगे यानी कि थ्री लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी नाइन प्लस आर एन आर एन की जगह पर हम क्या लेंगे ट्वेंटी नाइन माइनस सेवन यानी कि ट्वेंटी टू तो ये आर एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे ट्वेंटी टू माइनस एस के जगह पर हमारा क्या होगा जो एवरेज होगा डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन पी नॉट यानी कि थ्री लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी नाइन तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टू थाउजेंड की पॉपुलेशन कितना आएगा फोर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सॉरी फोर्टी वन थाउजेंड ये हमारा टू थाउजेंड की पॉपुलेशन हो जाएगा तो इस तरीके से हम टू थाउजेंड की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमें उन्नीस सौ अस्सी उन्नीस सौ नब्बे और दो हजार की पॉपुलेशन पता चल जाएगी बाय डिक्रीजिंग रेट मेथड से तो इस तरीके से हम डिक्रीजिंग रेट मेथड से नेक्स्ट डिकेट की पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड सिंपल ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है इस मेथड में हम क्या करते हैं सिंपल्स जो हमें डेटा क्वेश्चन में गिवेन है उसको ग्राफ पर हम इंडिकेट करके जो हमारे फ्यूचर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी रहती है उसको हम अप्रोक्सीमेट रिज़ल्ट के द्वारा हम कंसीडर करते हैं जैसे ये एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे क्वेश्चन में उन्नीस सौ अट्ठारह सौ अस्सी नब्बे उन्नीस सौ उन्नीस सौ दस उन्नीस सौ बीस उन्नीस सौ तीस और उन्नीस सौ चालीस की पॉपुलेशन गिवन है और हमें ग्राफिकल मेथड से टू थाउजेंड की पॉपुलेशन को बताना है तो सिंपल ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड ए ग्राफ इज़ प्लॉटेड फ्रॉम द अवेलेबल डाटा मीन्स कि हम जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पर हम डेटा को शो करते हैं प्लॉट करते हैं किसके बीच में टाइम और पॉपुलेशन के बीच में फिर उसके बाद क्या करते हैं द कर्व इज देन स्मूथली एक्सटेंडेड उसके बाद जो हमारा कर्व होता है उसको स्मूथली हम क्या करते हैं जिस ईयर की पॉपुलेशन पूछता है उस ईयर तक उसको स्मूथली आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और जो हमारा रिजल्ट होता, होता है वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होता है न कि एग्जैक्ट रिजल्ट होता है तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन में पॉपुलेशन पूछा रहेगा उसके लिए इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में हमें टू थाउजेंड की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाई सिंपल ग्राफिकल मेथड के द्वारा तो इसमें हम कैसे ग्राफ पे इसको ड्रा करते हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं क्वेश्चन में उन्नीस सौ अस्सी की पॉपुलेशन नब्बे उन्नीस सौ उन्नीस सौ दस उन्नीस सौ बीस तीस और चालीस की पॉपुलेशन गिवन है पॉपुलेशन गिवन कितने हैं वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी नाइन थर्टी थ्री थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्सटी वन थाउजेंड ये हमारी पॉपुलेशन गिवन है अब इस अब देखिए उन्नीस सौ अस्सी में पॉपुलेशन हमारी कितनी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो हमारा यहाँ पर क्या होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर उन्नीस सौ नब्बे में हमारी पॉपुलेशन कितनी है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पर हमारा आएगा फिर उन्नीस सौ नब्बे में थर्टी थ्री थाउजेंड तो हमारा यहाँ पे आएगा फिर उसके बाद उन्नीस सौ दस में थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड यहाँ पर आएगा फिर उन्नीस सौ बीस में फोटी फाइव थाउजेंड फिर उन्नीस सौ तीस में फोर्टी फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर उन्नीस सौ चालीस में सिक्सटी वन थाउजेंड तो ये यह हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे फिर इस ग्राफ इस लाइन को हम क्या करेंगे एक दूसरे से अटैच कर देंगे अब नेक्स्ट हमें कहाँ की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है टू थाउजेंड यानि कि उन्नीस सौ चालीस दिए हुए पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे दो हज़ार यानी कि दो हज़ार की पॉपुलेशन हमें बतानी है तो इस ग्राफ को हम क्या करेंगे स्मूथली इस इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ आ रहा है उसी डायरेक्शन में स्मूथली इस इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे बढ़ा देते हैं सन टू थाउजेंड तक उसके बाद टू थाउजेंड के सामने हम देखेंगे हमारी पॉपुलेशन कितनी है तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे वही हमारा अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन हो जाएगा 2000 का सिंपल ग्राफिकल मेथड के द्वारा तो इस तरीके से हम सिंपल ग्राफिकल मेथड में टाइम और पॉपुलेशन के बीच में ग्राफ को ड्रा करके हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो अब नेक्स्ट हम लेक्चर में लॉजिस्टिक कर मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे थैंक यू